समीप जो लगा जाए उसको निवेदन करें कि भैया मानवीय पथ से चलो, मानवीय आहार करो, मानवीय विचारों को अपनाओ। अभी स्वामी रंजीत जी से आपने बड़ी अच्छी बातें सुनी, कबीर साहब की ये कहिए कि ही बिंदु न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अगर इतना घटित हो जाए मनुष्य के जीवन में स्थिति कैसे आएगी, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब के रूप में हो जाएगा, सारे लोग मित्र की तरह हो जाएंगे, मानव मात्र में मैत्री का भाव हो जाएगा, वैर नहीं हो, विरोध नहीं हो। बड़ा सुंदर गाते हैं भजन हमारे गायक लोग, मौका मिलेगा ब्रह्मचारी मिथिलेश जी सुनाएंगे आपको। मृदुवाणी सुंदर बर्ताव, ये भजन नहीं है, जीवन सूत्र है। सभी भाई बहनों को इन सूत्रों को आत्मसात करना चाहिए कि मृदुवाणी सबसे पहले जो वाणी, जो वचन आपके हो, मृदु हो, कोमल हो, मधुर हो, ये कला बोलने की आप धारण कीजिए, आत्मसात कीजिए। मृदुवाणी, वाणी एकदम कोमल हो, मधुर हो, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार बर्ताव, सभी लोगों के साथ बर्ताव सुंदर करे, उभर खबर बर्ताव नहीं हो। मृदुवाणी सुंदर बर्ताव, सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। ये वातावरण समाज में हम कायम कर सकते हैं, घर में कायम कर सकते हैं। अपने मन वचन कर्म को हम शुद्ध कर लेते हैं तो हमारा जीवन तीर्थ हो जाता है। अपने जीवन को तीर्थ बना करके व्यवहार करें तो आपके द्वारा समाज में स्वर्ग आ सकता है। पहले अपने जीवन को तीर्थ तो बनाइए। महाराज शंकराचार्य ने कहा था, तीर्थं परम किं सुमनो विशुद्धम, परम श्रेष्ठम तीर्थं किं का सुमनो विशुद्धम। श्रेष्ठ तीर्थ क्या है, अपने मन को शुद्ध करना, अपने मन को निर्विकार करना। मन है चंगा तो कठोत में गंगा, लोकोक्ति है देहात में आप लोग बोलते रहते, जिसका मन चंगा है साफ सुथरा उसके लिए कठोता का पानी गंगा है। जिसने मन वचन कर्म को पवित्र कर लिया है उसका जीवन तीर्थ है। और जिस दिन हम सभी भाई बहनों का जीवन तीर्थ होगा, हमारे द्वारा जो व्यवहार होंगे उससे हमारे परिवार में, समाज में, देश में स्वर्ग आएगा। यहाँ का व्यक्ति आदर्श बनेगा, परिवार आदर्श बनेगा, समाज आदर्श बनेगा, देश आदर्श बनेगा। मृदुवाणी सुंदर बढ़ता हो, सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। वैर भाव नहीं कभी किसी से। अगला अंतरा देखिए, वैर भाव नहीं कभी किसी से, हिलमिल सब ही रहते। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है कि भाई बहनों हिलमिल रहना, जिंदगी बहुत अस्थाई है, क्षणिक। जब तक जीवन है, सांस है, हाथ में हाथ मिलाकर चलो, दिल में दिल मिलाकर चलो, कंधे में कंधे मिला करके चलो। एक दिन समय आएगा जो अलग अलग तो हो ही जाना, एक दिन ऐसा आएगा कि चाहोगे आंखें खोलकर भाई लोगों को देख लूं, प्रकृति कहेगी खबरदार समय चुक गया, अब पर्दा गिर गया, तुम देख नहीं सकते हो। चाहोगे कि सामने खड़े भाई लोग हैं, दो बातें कर लूं, जीभ लटपटा गई। प्रकृति कहती है कि समय चुक गया, तुम जिसने बोलने का था प्रेम पूर्वक लोगों से आलाप संलाप नहीं किया, अब तो समय खत्म हो गया, जीभ लड़खड़ा गई, अब बोल नहीं सकती है। हाथ उठाकर जाओगे दूसरे से हाथ में हाथ मिला ले, हाथ कहा कि अब उठने वाला नहीं है, स्तब्ध हो गया। आज समाज से मुंह क्यों खुलाते हो, मुंह तो तुम्हारा बंद हो जाएगा, प्रकृति कर देगी। आज लोगों से हाथ में हाथ मिलाकर क्यों नहीं चलते हो,
एक दिन ऐसा आएगा जो हाथ में हाथ मिलाना चाहोगे तो नहीं मिला सकते, सारा शरीर लड़खड़ा जाएगा। कबीरदेव कहते हैं कि हिलमिल नाना, सबको मिलजुल करते रहो, दे के खाना और अन्न पैदा करते हो, घर में अन्न बनाते हो, खाते हो तो दूसरे को भी खिला लेना। विद्वान बड़े हो, पढ़े लिखे हो तो ज्ञान भी ज्ञानहीन के पास बांट देना। शरीर में बल है, इसका भी उपयोग कर लेना, शरीर से दूसरे की सेवा कर देना। शरीर तो है सेवा करने के लिए, धन तो है दान करने के लिए, विद्या तो है दूसरे को ज्ञान देने के लिए। जो है तुम्हारे पास समाज के बीच बांटते चलो, हिलमिल रहना और दे के खाना, नेकी बात सिखाते रहना। इतना बढ़िया सूत्र कबीर साहब का है कि जो भी निकट में आवे उसको अच्छी अच्छी सीख दो, ऐसी सीख दो कि हाथ में बीड़ी जल रही है, हाथ से जली हुई बीड़ी नीचे गिर जाए, संकल्प ले जाए इसे बीड़ी नहीं पीऊंगा। कल मैं एक मंच से नीचे उतर रहा था, बहुत भीड़ थी, कल नहीं परसों, एक आदमी सीढ़ी से उतरने से आया हमको संभालने के लिए, तैसे हाथ बढ़ाया कि सीढ़ी अव्यवस्थित ढंग से खड़ी थी, गिरने का भय था मंच से नीचे उतरने में, तो हमको संभालने के लिए हाथ दिखाया हो, देखा कि हाथ में तो खैनी का खलिहान है। हमने कहा इस हाथ को हटा, इस हाथ से मुझे मत छू। आज तक कितना फायदा हुआ है तुमको इससे, थोड़ी गिलानी तो उसको हुई, लज्जा हुई, अपना हाथ मैंने उसको छूने नहीं दिया। हमने कहा आज तक कितना फायदा हुआ इससे, साहब फायदा तो कुछ नहीं है। हम कि हानि है कि नहीं, कहा हानि तो है। हम कि इंसान हानि के लिए काम करता है कि लाभ के लिए, तो हाँ ना का उत्तर दिए सीधे, कहता है साहब कान छूते हैं, आज से तंबाकू नहीं खाएंगे हम। तो हिलमिल रहना, दे के खाना, नेकी बात सिखाते रहना। जो ही भाई बहन युवक युवतियां सामने आवे उसको नेक नेक बात सिखाओ, माता पिता का सेवन पूजन करो, पति का सेवन पूजन करो, सास ससुर का सेवन पूजन करो। तो हिलमिल रहना और दे के खाना, नेकी बात सिखाते रहना। और तुम स्वयं अपने सत्सिद्धांत से विचलित नहीं हो, अपने को भी संभाल कर रखना। तुम सतपथ से विचलित नहीं हो जाओ तो कहां ही कबीर सुनो भाई साधु, जपना सदगुरु नाम रे। तो हर वक्त सदगुरु का स्मरण करते रहना, मनन करते रहना, उनके उपदेशों पर ध्यान देते रहना। तो मैंने कहा कि जहां आप लोग बैठे हैं सत्संग रहे, सबसे पहले सत्संग से सद्बुद्धि आती है। आज हमारे देश में क्या हो गया है, चाहे राजनीति करने वाले नेता हो, प्रशासन करने वाले प्रशासक लोग हों, हम साधु संत क्यों नहीं हैं, हम व्यापारी मजदूर क्यों नहीं हैं। सद्बुद्धि का अभाव सब लोगों के पास है, इसलिए सभी के द्वारा कर्म गलत होते जा रहे हैं आंशिक रूप से। क्यों, जादृशी बुद्धि जस्य क्रिया भवती तादृशी, आदमी की बुद्धि जैसी होती है उसकी सारी क्रियाएं उसी के अनुरूप हुआ करती हैं। आज जो कर्म इतने विकृत होते चले जा रहे हैं सद्बुद्धि के अभाव में। सद्बुद्धि का अभाव क्यों है, तो सत्संग के अभाव में। सत्संग से सद्बुद्धि आती है। भर्तृहरि हरि ने कहा था, दूरी करोति कुमतिम विमली करोति चेतस चिरंतन मघम चुलुकी करोति। सत्संग से हमारे अंदर सद्बुद्धि का उद्घाटन होता है। गलत कर्म करता चला जा रहा था न मालूम कितने दिनों से, असंतों का संग हो गया रत्नाकर, सद्बुद्धि जागृत हुई, इतना रूपांतरित हुआ, अपने आप को इतना बदला
कि ऋषि वर वाल्मीकि हो गया, अंगुली माल महान संत हो गया, भिक्षुक हो गया भगवान बुद्ध के संग में, तो सत्संग से इतना रूपांतरण हो जाता है। तुलसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ये पिक बकौ मराला। सत्संग एक मज्जन है, एक घर्षण है। सत्संग का मज्जन जिसके जीवन को मिल जाता है, काक हो ये पिक, काक वृत्ति वाला आदमी कोयल वृत्ति का हो जाता है, कटुभाषी मधुरभाषी हो जाता है, मांसाहारी शाकाहारी हो जाता है। काक होए पिक, जो काक स्वभाव का आदमी है वो कोयल स्वभाव का हो जाता है, जो बक स्वभाव का है वो हंस स्वभाव का हो जाता है। बकऊ मराला, बकऊ माने बकुला, मराल माने हंस। इतना महत्व इस सत्संग का है, पूरे पूरे हमारे जीवन को रूपांतरित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, इसलिए इसका नाम सत्संग है। भाइयों, हमारी आदत नहीं है, जो ढंग है आपके कार्यक्रम का, मेरे कार्यक्रम ऐसे नहीं होते हैं। 9 बजे के बाद तो मैं बिल्कुल आसन पर चला जाता हूं, फिर किसी से कुछ बात करना नहीं, कुछ करना नहीं। और लोगों से भी कहता है कि 9 बजे सो, फार्मूला है कि समय से सोवो, समय से जागो, समय से कर सब काम, ध्यान कर समय से प्यारे। सोना चाहिए समय से, जगना चाहिए समय से। हर आदमी को 9 बजे सो जाना चाहिए जो सरकारी ड्यूटी में नहीं है। 6-7 घंटे सोना बहुत है, 3 बजे जग गए, 3 बजे 4 बजे के बाद सोना पाप है। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसको, ब्रह्म माने बड़ा, मुहूर्त माने समय। वो 3 ही काम के लिए है, 3, 4, 5 बीच का जो समय है 3 काम के लिए है। स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो तो आसन प्राणायाम करो ब्रह्म मुहूर्त में, बौद्धिक संवर्धन चाहते हो तो स्वाध्याय करो ब्रह्म मुहूर्त में, मन का संतुलन चाहते हो तो ध्यान करो ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, बिना ध्यान से मन संतुलित नहीं होता है, बिना स्वाध्याय से बौद्धिक शक्ति का संवर्धन नहीं हो सकता है, बिना आसन प्राणायाम से शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। इतना समय सो जाओ, ठीक समय पर 3 बजे जग जाओ, 4 बजे जग जाओ, 3 काम में से कोई एक काम करो, या 3ों काम करना है 3ों काम करो। तो समय से सोवो, समय से जागो, समय से कर सब काम। गवर्नमेंट के दफ्तर में 8 घंटे काम लिए जाते हैं समय से, जो और भी काम करने हैं। 24 घंटे में 8 घंटे काम करो, शरीर से मोटा काम, बौद्धिक शक्ति संवर्धन के लिए 2 घंटा पढ़ने के लिए समय निकाल दो। छह घंटे सोने के लिए निकाल दो। इस तरह से समय का बंटवारा कर देना चाहिए। इतना समय अमुक काम, इतना समय अमुक काम, इतना समय अमुक काम करें, बहुत कर्मबद्ध से आपका जीवन चलेगा, कर्मबद्ध रूप से। तो समय अधिक हो गया है। कुछ निवेदन मैंने आप लोगों के सामने किया कि सत्संग क्या है, सत्संग से होता क्या है, इस संदर्भ में थोड़ा निवेदन करके परम प्रिय भगवान जी, उनके भाई लोग, सबका नाम नहीं जानता हूं, और उनके साथी लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, सब मिलकर के इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। इसी परिवार का निकला हुआ एक संत है
जिनका नाम ही दुखराम दास जी है। जो इनके निकट जाता है उनके दुख का हरण हो जाता है। संत है ना, अपने स्वभाव से, अपने विचार से, अपने आचरण से दूसरे के शारीरिक मानसिक व्याधियों को दूर करने में तत्पर रहते हैं। ये लोग तो दूर दूर यहाँ राधा नगर में थे, ये मेरे बगल में है, इन्होंने जाकर के समय हमसे लिया। साहब बहुत वर्ष हो गए, लगभग 15 वर्षों के बाद ही मैं राधा नगर में आया हूँ। छोटी बच्ची थी, बच्ची वाली हो गई है। छोटे लड़के थे, लड़के वाले हो गए। इतने दिनों के बाद यहाँ आया हूँ तो थोड़ा निवेदन मैंने किया प्रिय भगवान जी को, उनके भाई को, संश्री दुखहरण दास जी को, सबके प्रति सद्भावना ज्ञापित करते हुए। जितने भाई बहन सत्संग उतरे हैं, आए हैं यहाँ, सबके जीवन में सत्संग उतरे, सबका जीवन पवित्र हो, खान पान पवित्र हो, विचार पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, जिससे आपका भौतिक जीवन सुखमय हो, धीरे धीरे आध्यात्मिक शांति भी आपके जीवन में घटित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब।